पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आय कराहल बोले, बीजेपी प्रत्याशी के इशारों पर काम कर रहा है प्रशासन। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए आज रविवार को कराहल क्षेत्र के दौरे पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आए हुए हैं। जगह जगह उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और आमजन से मिले। पनवाड़ा तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। उस दौरान पूर्व सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए प्रशासन पर बीजेपी प्रत्याशी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए और ये तक डाला कि निर्वाचन आयुक्त सोया हुआ है। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये पूरा सीएम जी लगातार आ रहे हैं, किस तरह सर देखते हो, कितनी चुनौती है इस बार कांग्रेस के लिए? बात यह है कि चुनाव आयोग सोया हुआ है, खुलेआम प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सारे चुनाव के प्रभारी सरकारी, उन्हें बदल दिया गया है। केवल रामनिवास रावत जी के कहने पर सारे प्रशासकीय तंत्र ने जिनको वो चाहें उनको बीएलओ, जिनको चाहें पीठासीन अधिकारी, जिसको वो चाहें जोनल ऑफिसर बनाया गया है। पूरे तरीके से सरकार ऐसा लगता है वही चुनाव लड़ रही है और पूरा प्रशासन पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सर प्रत्याशी के संबंध नक्सलियों से भी बता दिए थे सर उन्होंने अभी। कौन बड़ी बात है, मुझे भी नक्सली कहते हैं, मुझे भी आतंकवादी कहते हैं, तो अच्छा है। हम दोनों आतंकवादी अगर हैं तो हमें बंद क्यों नहीं करती? कितनों क्यों निकम्मी सरकार है जो आतंकवादियों को खुले घूमने के मौका दे रही है।